हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये सीरीज। इसमें आपको सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। तो प्रीवियस पार्ट आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें एबीवीओ और केजीएमयू के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, फेस केमिस्ट्री, बायो सभी मिल जाएंगे। सभी को एक साथ देख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस केरला? ऑप्शन ए मिसेस के शैलेजा, ऑप्शन बी डॉक्टर सरिता RL, ऑप्शन सी डॉक्टर रवि R मेनन एंड ऑप्शन ए डॉक्टर जरेना बेगम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डॉक्टर सरिता RL। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ईयर इज डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइव्स बाय WHO? WHO ने किस वर्ष को नर्सों और दवाइयों का वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2019 एंड ऑप्शन डी 2018। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2020 को। ओके, इस टाइम कोविड-19 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर? जो हृदय की भ्रूणीय संरचना होती है वो कैसे विकसित होती है? ऑप्शन ए पैरा एक्टियल मेसोडर्म, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ऑप्शन सी स्प्लेनचोप्ल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड ऑप्शन डी सेमोटोप्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्प्लेनचोप्ल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ओके, तो इस स्तर से हमारा जो हृदय का भ्रूणीय संरचना होता है उसका विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लैंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड? जो मेडुला ऑब्लैंगेटा है उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेनसेफ्लॉन, ऑप्शन बी माइलिनसेफ्लॉन, ऑप्शन सी मेसेनसेफ्लॉन एंड ऑप्शन डी मेटेनसेफ्लॉन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइलिनसेफ्लॉन। मेडुला ऑब्लैंगेटा को माइलिनसेफ्लॉन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ दीज? पश्चिम मस्तिष्क धमनी इनमें से किसकी एक शाखा है? ऑप्शन ए वर्टिब्रल आर्टरी कशेरुका धमनी, ऑप्शन बी वेसिलर आर्टरी वेसिलर धमनी, ऑप्शन सी पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी पश्चिम मस्तिष्क धमनी एंड ऑप्शन डी पोस्टेरियर कोरोइडल आर्टरी पश्चिम कोरोइडल धमनी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेसिलर आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल इन्वेंट्री कंट्रोल एट लोअर मैनेजरियल लेवल? नर्सिंग सेवा प्रशासन में निचले प्रबंधकीय स्तर पर जिम्मेदार सूची नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए स्टाफ नर्स, ऑप्शन बी असिस्टेंट नर्स सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन सी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड ऑप्शन डी हेड नर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेड नर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की नैदानिक पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए केस मेथड केस स्टडी, ऑप्शन बी नर्सिंग राउंड एंड रिपोर्ट्स, ऑप्शन सी प्रोसेस रिकॉर्डिंग एंड ऑप्शन डी सेमिनार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेमिनार नहीं है। ठीक है, केस मेथड केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। और दूसरी बात है कि जो नर्सिंग राउंड एंड रिपोर्ट्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग ये भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सेमिनार नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न्ड विथ? जो गुणवत्ता आश्वासन होता है उसका संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए एडिक्वेसी ऑफ केयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस रेटिंग, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए डैनियल फ्रॉड, ऑप्शन बी हेनरी फॉयल, ऑप्शन सी मैरी फॉलेट एंड ऑप्शन डी टेलर। प्रबंधक के 14 सिद्धांत किसने दिए थे? तो आंसर इज ऑप्शन बी हेनरी फेयोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निरंकुश विधि है? ऑप्शन ए लेक्चर, ऑप्शन बी ट्यूटोरियल, ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट स्टडी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेक्चर। ओके, वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।